तो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? बीजेपी वाले ने इतना महंगा बढ़ाया, गैस बढ़ाया और दूध बढ़ाया और सब कुछ जीएसटी सब चीज में बढ़ाया। इसके लिए अपना नेता में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है, लेकिन अगले साल में पूरा हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेसी सरकार में आएगा। इतना बात करता है लेकिन काम कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। भाषण ज्यादा है, बीजेपी सरकार क्यों आए हैं? लेकिन क्यों महंगा इतना बढ़ रहा है ना, इसके लिए राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं ना, इसके लिए उनको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं सब। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, रायचूर से गुजर रहे हैं और ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष है, उनका ये क्षेत्र पड़ता है। और जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उन्होंने एक तरफ सीने के एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ राहुल गांधी और पेट पे उन्होंने अपने जो है माजी जी का MLA, और इनका सर देखिए कि एक ये जो है तिरंगा बनाया हुआ है पूरे सर पे, और ये हिंदुस्तान का नक्शा मैप बनाया हुआ, और पीछे से देखिएगा तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का तस्वीर इन्होंने बनाया हुआ बाल की शक्ल में, और लगातार इस यात्रा में हाथ में शंख लेकर चल रहे हैं, यात्रा के साथ चल रहे हैं। क्या नाम है? अनुमंता है। अनुमंता है। अनुमंता जी, कहाँ से आए हो? मैं सुरपुर से आया हूँ। क्यों आए हो आप? अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अपना राहुल गांधी उनको सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। अच्छा, सपोर्ट देने के लिए आया। तो क्या लग रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? बीजेपी वाले ने इतना महंगा बढ़ाया, गैस बढ़ाया और दूध बढ़ाया और सब कुछ GST सब चीज में बढ़ाया। इसके लिए अपना नेता में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है, लेकिन अगले साल में पूरा हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेसी सरकार में आएगा। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्या कुछ मिलेगा राहुल जी? मिलेगा राहुल गांधी की सक्सेस मिलेगा पूरा। अच्छा, तो 2024 में क्या कांग्रेस ही आएगा पक्का? बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया, खाली बोलते हैं ज्यादा, हर चीज में GST बढ़ रहा है, बोलते है ज्यादा, बोलते है इतना बात करता है लेकिन काम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते है। भाषण ज्यादा है, बीजेपी सरकार क्यों आए हैं? लेकिन क्यों महंगा इतना बढ़ रहा है ना, इसके लिए राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं ना, इसके लिए उनको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं सब पूरा हिंदुस्तान में। अच्छा, तो आप लोग अपने पैसा से आए कि कोई दिया है? नहीं, अपने पैसे से आए हैं। क्यों आए मालूम है क्या? अगले साल में कांग्रेस पूरा इंडिया में कांग्रेस सरकार आना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से है, लगातार लोगों की संख्या देखिए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों के सब तरफ खड़े हैं और यहाँ पर लोगों के पास जो है जगह नहीं है जाने का। और ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार लोग जोश के साथ खड़े हैं, और तमाम तरह की तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ दोनों छोर में लगातार लोग राहुल गांधी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें इस तरफ उस तरफ हर तरफ राहुल गांधी की तस्वीरें दिख रही है, और किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और लगातार ये यात्रा चल रहा है। यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है, राहुल जी यहाँ पर आएंगे, उसी को लेकर मैदान में जगह नहीं है, मैदान खचाखच भरा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ देखिए, पर प्रोग्राम में किस तरह से भीड़ है, लोग बड़ा बड़ा ढोल ताशे के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। लगातार इस यात्रा में शामिल है और लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने हुए तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की यात्रा गुजर रही है, और इस यात्रा में देखिए किस तरह से लोगों का जन सैलाब दिख रहा है। रायचूर के से ये यात्रा गुजर रही है, और इस यात्रा में जिस तरह से लोगों का भीड़ है, जिस तरह से हजारों लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी जी से मिलने के लिए लोग आए, उससे कई सारी बातें स्पष्ट हो रही। लगातार ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है और लगातार राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। रायचूर में यात्रा और कर्नाटका में ये यात्रा 45वें दिन में प्रवेश कर चुका है। साथ में जो है मुकुल वासनिक, श्रीनिवासन, इमरान प्रतापगरी, DK शिव कुमार, ये तमाम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, और देखिए किस तरह से इस यात्रा को नई ऊर्जा मिल रही है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा
किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा है, पुलिस बल के जवान इस यात्रा को मजबूती के साथ आगे ले जा रहे। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा है, और ये तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में कई सारी बातें स्पष्ट हो रही है, कई सारी बातें आगे जा रही है। लगातार यात्रा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 45वें दिन के बावजूद भी लोगों में किस तरह का उत्साह, लोगों में किस तरह का प्यार और किस तरह का भीड़ इस यात्रा को लेकर है, और किस तरह से लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, और किस तरह से इस यात्रा में लोगों का हुजूम, उम्मीदें और उम्मीदें राहुल गांधी को देखने की बात, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह हुजूम है। लाखों की संख्या में सिर्फ लोग और नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लगातार लोग इस यात्रा में शामिल है। कुछ भी इस यात्रा में ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस यात्रा को कमज़ोर कर रहा हो। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि इस यात्रा में किस तरह की मजबूती दिखा रहा है, और ये यात्रा किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत जो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, और लगातार इस यात्रा में लोगों का सहयोग दिख रहा है, और लोग जो है लाखों की संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा है और इस यात्रा को मजबूती दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है, और लोग इस यात्रा में शामिल है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो यात्रा में जो है लोग का सिर्फ सर दिख रहा है, जन सैलाब दिख रहा है, जन समर्थक दिख रहा है, और इस जन समर्थन के बावजूद लगातार लोग इस यात्रा में आनंद ले रहे हैं। 45 दिन में भी इस यात्रा में ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली, जिस तरह की कमी की उम्मीद लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आज कर्नाटक में यात्रा का आखिरी दिन, उसके बाद जो है दिवाली का 3 दिन का छुट्टी, तो उसके बाद ये लगातार ये चीज़ें चल रही है, तस्वीरें चल रही है, और लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें कई सारी कहानियां को बयान कर रहा है कि किस तरह से लोग इस यात्रा से मजबूती से जुड़े हुए, किस तरह से सहयोग मिल रहा, और किस तरह से इस यात्रा में लोग लगातार अपने चीज़ें, अपनी बातें रख रहे हैं, और किस तरह से ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोग इस यात्रा को सहयोग देते नज़र आ रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।